सुनीता पंद्रे हैं। मैं कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और फेगो सर्जन हूँ नीलकंठ आई हॉस्पिटल पांडुना में। सबसे पहले आप सभी को वर्ल्ड साइट डे की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि इस साल 12 अक्टूबर को मनाया गया है, और इसका थीम था लव योर आइज एट वर्क। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कितना ज़्यादा आजकल हम लोग कंप्यूटर्स का, सेलफोन का यूज़ करते हैं हमारे वर्क प्लेस पे, जिसकी वजह से हमारी आँखों पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन बढ़ने लग गया है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हमें होने लग गई हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये डिजिटल आई स्ट्रेन क्या होता है। डिजिटल आई स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा कंप्यूटर्स या सेलफोन यूज़ करने की वजह से होता है, या अगर हम अपना रूटीन बहुत अच्छा नहीं रखते हैं जब हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या सेलफोन यूज़ कर रहे हैं उस समय, तो हमारी आँखों पे एक तरीके से दबाव बढ़ने लग जाता है, एक डिस्कम्फर्ट हमें डेवलप होने लग जाता है। कुछ लक्षण हैं जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि हमें डिजिटलाइज स्ट्रेन हो रहा है या नहीं। जैसा कि हम जब कंप्यूटर पे काम करते हैं या हमारा सेलफोन हम कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, तो कुछ देर बाद हमें आँखों में थकावट सी महसूस होने लग जाती है, हमें कुछ सेकेंड्स के लिए धुंधला दिखने लग जाता है, या हमारी आँखों में एक रेडनेस डेवलप हो जाती है, हमें रिफ्लेक्स पोटरिंग होने लग जाता है, फॉरन बॉडी सेंसेशन होने लग जाता है, या किसी किसी को जब ये दिक्कतें ज़्यादा बढ़ने लग जाती है तो उन्हें आँखों में दर्द, सिर दर्द की परेशानी, नेक पेन, शोल्डर पेन, ये सारी दिक्कतें होने लग जाती है। तब इन लक्षणों को थोड़ा सा ध्यान में लेते हुए आपको समझ जाना है कि आपको डिजिटल आई स्ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इन चीज़ों को हम कुछ सावधानी बरत के, हमारे रूटीन में थोड़ा चेंजेस ला के, कुछ एक्सरसाइज करके हम इसे कम कर सकते हैं। रूटीन में चेंजेस ऐसे हमें लेके आने हैं कि जब हम अपने डेस्कटॉप पे काम करते हैं, हमारे कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, तो कोशिश करिए कि हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारे आर्म डिस्टेंस पे रहे, आर्म लेंथ की डिस्टेंस पे रहे। दूसरी चीज़ कि जो हमारा स्क्रीन है उसे हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब पास में ना रखें, या उसे इस तरीके से रखें कि जो उसका हमारे कमरे की जो लाइट्स की रोशनी होती है वो डायरेक्टली स्क्रीन पे ना पड़े, तो उसकी वजह से जो ग्लेयर वाला एक प्रॉब्लम होता है वो हमें नहीं होगा। दूसरा, बहुत ज़्यादा फोकस करके देखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो उसमें अपना जो फॉन्ट साइज़ है वो आप चेंज कर सकते हो, उसकी जो ब्राइटनेस है, उसका जो कंट्रास्ट है वो आप चेंज कर सकते हो। आजकल के कंप्यूटर्स में आई कंफर्ट के लिए कुछ सेटिंग्स भी आने लग गई हैं, तो आप वो सेटिंग्स ऑन कर सकते हो। उसके अलावा एक अकोमोडेटिव स्पाज़म होता है जो कि कंटिन्यू मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर यूज़ करने की वजह से डेवलप होता है, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए आपको एक 20-20 का रूल फॉलो करना है। इस रूल में ये है कि जब कभी आप अपने डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उस समय आपको हर 20 मिनट बाद 20 फीट के डिस्टेंस पे 20 सेकेंड के लिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट को फोकस करना है, तो उसकी वजह से जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो वो कंटिन्यू वर्क करने की वजह से जो एक स्पाज़म हमारी आँखों में डेवलप होता है, एक डिस्कम्फर्ट हमारी आँखों में डेवलप होता है, उसको हमें जस्ट रिलीज करवाना है इस रूल को फॉलो करते हुए। दूसरी चीज़, हम जो ब्लिंक मैकेनिज़म है हमारा वो काफ़ी कम हो जाता है जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं या जब हम अपना सेलफ़ोन यूज़ करते हैं, तो उस समय हमें कॉन्शियसली ध्यान रखना है कि हम प्रॉपरली ब्लिंक करते रहें। उसकी वजह से जो हमारी आँखों में एक टीयर फिल्म का प्रोडक्शन है वो बराबर हो जाता है, जो कि हमारे विजन क्लियरिटी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और हमें ड्राइनेस की प्रॉब्लम भी नहीं होती है जो कि हमें वाटरिंग या रेडनेस ये सारी चीज़ें करवाता है। तीसरा चीज़, हम एक ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू कंप्यूटर या सेलफोन यूज़ करने की वजह से ड्राइनेस डेवलप होता है, तो जब कभी आपको कोई ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप यूज़ करनी है तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप अपने ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं, उनसे चेकअप करवाएं,
तो आपका जो भी सीवीआरटी लेवल होगा या जिस तरीके का प्रॉब्लम आपको हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग वो आपको लुब्रिकेटिंग ड्रॉप एडवाइस कर देंगे। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो, जैसे कि एक 9 डायरेक्शन एक्सरसाइज होती हैं। इसमें हमारी जो आँखों के मूवमेंट्स है, आप आँखों को पूरे 9 डायरेक्शंस में मूव करा सकते हो। उसके लिए आपको इस तरीके का ये एक्सरसाइज इस तरीके से की जाती है। आपको सेंटर में कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेना है, चाहो तो आप अपनी इंडेक्स फिंगर ले सकते हो या तो फिर आप एक पेन ले सकते हो। इसमें आपको पेन को सेंटर में रखना है और सेंटर से आपको राइट, लेफ्ट, अप, डाउन और उसके डायगोनली आपको लेके जाना है। इस तरीके से आप 9 डायरेक्शंस में आपकी आंखों के मूवमेंट्स करा सकते हो। उसके अलावा आपको आई रोलिंग जो होता है वो भी कर सकते हैं। उसके लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। सेंटर में आप आपका इंडेक्स फिंगर या एक पेन आप ले लेंगे, उसको फोकस करेंगे। राइट साइड से आप स्टार्ट कर सकते हैं और उसके पॉइंट को फोकस करते हुए आप आई रोलिंग इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। ये चीज़ें भी करने से हमारी जो आँखों की मांसपेशियाँ होती हैं उसमें एक रिलैक्सेशन आता है। उसमें एक थोड़ा सा जो तनाव उत्पन्न हुआ है कंटिन्यू कंप्यूटर और सेलफोन यूज़ करने से, उसमें आपको थोड़ा सा आराम मिल सकता है। एक कपिंग एक्सरसाइज भी होती है। इसमें आपको बस यही करना है कि आपकी दोनों हथेली को आप लेंगे और उसको इस तरीके से रब करेंगे और जो हमारी हथेली है उसको बस अपनी आँखों के ऊपर आपको ऐसे रखना है। इसकी वजह से थोड़ा जो हमारा डिस्कम्फर्ट है वो कम हो जाता है। बस यही कुछ एक्सरसाइज है, कुछ टिप्स है, कुछ हमारे रूटीन है, उनको चेंज करके जो डिजिटलाइज ट्रेन है आप उसको कम कर सकते हैं। थैंक यू।